हेलो मित्रों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी ऑन ट्रैक पर हार्दिक स्वागत है। आज हम आप लोगों के समक्ष पुनः प्रस्तुत हुए हैं यूपी ट्रिपल एससी वीडियो 23 दिसंबर 2018 को सेकेंड शिफ्ट के जीएस प्रश्न पत्रों का संकलन लेकर आपके समक्ष आए हुए हैं। आज हम जीएस के प्रश्न पत्रों का एनालिसिस आपके समक्ष करेंगे, ठीक है? चलिए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। कंप्यूटर में पिंग कमांड का क्या उपयोग है, हमसे यही पूछ रहा है, ठीक है? कंप्यूटर में पिंग कमांड का क्या उपयोग है? तो इसका जो मित्रों बिजली की आपूर्ति की जांच करने में, बिजली की किसी निर्दिष्ट गंतव्य कंप्यूटर तक पहुंचने के लिए, स्रोत कंप्यूटर की क्षमता का परीक्षण करने के लिए, कंप्यूटर हार्डवेयर में किसी प्रकार की गलती का परीक्षण करने के लिए, या नेटवर्क से किसी समस्या की जांच करने के लिए, तो इसका जो सही उत्तर है वो है हमारा ऑप्शन बी, ठीक है? किसी निर्दिष्ट कंप्यूटर तक पहुंचने के लिए, स्रोत कंप्यूटर की क्षमता का परीक्षण करने के लिए, ठीक है? पिंग कमांड क्या है? तो पिंग कमांड एक प्रकार का कमांड प्रॉम्प्ट कमांड होता है, जिसका उपयोग किसी निर्दिष्ट गंतव्य कंप्यूटर तक एक्सेस के लिए, स्रोत कंप्यूटर की क्षमता का परीक्षण करने के लिए किया जाता है, ठीक है? इसीलिए नेटवर्क पर एक डिवाइस का परीक्षण करने के लिए पिंग कमांड का उपयोग किया जाता है, ठीक? चलिए नेक्स्ट। नेक्स्ट है कि इनमें से किस इनपुट डिवाइस का उपयोग व्यापक रूप से योग्यता परीक्षण जैसे परीक्षणों में किया जाता है, हमसे यही पूछ रहा है, ठीक है? तो इसमें जो हमारा ऑप्शन बी है, ऑप्टिकल मार्क पहचान, यह आपका करेक्ट आंसर है, ठीक? ऑप्टिकल मार्क क्या होता है? ओएमआर है, ठीक? यही ओएमआर है। यह एक ऐसी तकनीक होती है जो मशीन को कागज के रूप में बने निशान, जैसे टिक, बबल या चेक मार्क, जो हम एग्जाम में भरते हैं उसी को पहचानने में सक्षम बनाती है, ठीक है? ओएमआर सीट हमको मिलती है एग्जाम में। ओएमआर का उपयोग पेपर फॉर्म से जानकारी को जल्दी और सटीक रूप से कैप्चर करने के लिए किया जाता है, जिससे यह उच्च मात्रा में डेटा संग्रह के लिए आदर्श बन जाता है, ठीक है? बार कोड रीडर क्या है? तो देखिए, जो बार कोड रीडर है यह एक ऑप्टिकल स्कैनर होता है जो प्रिंटेड बारकोड को पढ़ सकता है, ठीक है? साथ ही साथ बारकोड में निहित डेटा को कंप्यूटर में डिकोड भी कर सकता है। एक फ्लैट बेड स्कैनर की तरह ऑप्टिकल आवेगों को विद्युत संकेतों में अनुवाद करने के लिए एक प्रकाश स्रोत, एक लेंस और एक प्रकाश संवेदक होता है बारकोड रीडर में, ठीक? चलिए और जानकारी देख लेते हैं। मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर पहचान क्या है, ठीक है? रिकॉग्निशन कोड इसे बोलते हैं। तो देखिए, इसे बोलता है, इसका शॉर्ट है MICR, ठीक है? इसका संक्षिप्त हो गया। इसे कैरेक्टर रिकॉग्निशन भी तकनीक भी कहते हैं, जिसका उपयोग मुख्य रूप से बैंकिंग उद्योग द्वारा चेक और अन्य दस्तावेजों के प्रसंस्करण और निकासी को कारगर बनाने के लिए किया जाता है, ठीक है? टचपैड क्या है? टच पैड या ट्रैक पैड इसे बोलते हैं। यह एक टेक्सटाइल संवेदक की विशेषता वाला एक पॉइंटिंग डिवाइस होता है, एक विशेष सतह जो उपयोगकर्ता की उंगलियों की गति और स्थित को ऑपरेटिंग सिस्टम पर एक सापेक्ष स्थित में अनुवाद कर सकता है, उस स्क्रीन पर आउटपुट बनाया जाता है, ठीक है? डेस्कटॉप पर माउस का उपयोग करने के लिए हम टच पैड का प्रयोग करते हैं, लैपटॉप पे टच पैड होता है, ठीक? चलिए नेक्स्ट। हमसे कह रहा है कि प्रिंट के दौरान गैर प्रभाव वाले प्रिंटर्स पेपर्स को स्पर्श नहीं करते हैं, वे कागज पर प्रतीकों को छापने के लिए रासायनिक गर्मी या विद्युत संकेतों का उपयोग करते हैं, तो इनमें से कौन सा गैर प्रभाव प्रिंटर नहीं है, ठीक है? हमसे कह रहा है कौन सा नहीं है, तो इसमें से कौन से हैं? तो है वाले में देखिएगा मित्रों, इसमें आपका डेस्कजेट, थर्मल और लेजर है, आपका डॉट मैट्रिक्स नहीं है, ठीक है? डॉट मैट्रिक्स नहीं है। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर जो है यह एक इंपैक्ट प्रिंटर है, जिसमें निश्चित संख्या में पिन या तार होते हैं। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर के रूप में इसे जाना जाता है। आमतौर पर घटकों को व्यवस्थित करने के लिए पिन या तारों के एक या अधिक ऊर्ध्वाधर स्तंभों का उपयोग इसमें किया जाता है, ठीक है? देख लेते हैं डेस्कजेट क्या है, ठीक? तो डेस्कजेट प्रिंटिंग जो है यह एक प्रकार की छपाई है, जहां पे डेस्कटॉप प्रिंटर के माध्यम से स्याही को कागज पे जमा किया जाता है, ठीक है?
डेस्कजेट प्रिंटर का सबसे आम प्रकार थर्मल इंकजेट तकनीक का उपयोग करता है, जो स्याही की छोटी बूंदों को गर्म करता है और उन्हें कागज पे छिड़कता है। ठीक, ये हमारे डेस्कजेट प्रिंटर है। और लेजर प्रिंटर क्या है, देखिए जो हम घर पे प्रिंटर यूज करते हैं वो हमारे ज्यादातर सब डेस्कजेट प्रिंटर होते हैं, और जो हम शॉप में देखते हैं जो बिजनेस के पर्पज से यूज होता है सब ज्यादातर लेजर प्रिंटर होते हैं। लेजर प्रिंटर क्या है, ये भी आपका छपाई का ही एक माध्यम है। ठीक है, लेजर प्रिंटर आपका प्रिंटिंग हेड और पेपर के मध्य निरंतर संपर्क के बिना नॉन इंपैक्ट प्रिंटर इमेज कैरेक्टर और फिगर उत्पन्न करता है। ठीक है, नॉन इंपैक्ट वाले प्रिंटर के उदाहरणों में आपका लेजर प्रिंटर, इंक जेट प्रिंटर, ठीक, इंक जेट प्रिंटर, और साथ में आपका जो थर्मल है, थर्मल प्रिंटर भी आता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट। हमसे कह रहा है कि निम्न में से कौन सा उपकरण किसी छवि को डिजिटलीकृत करके टेलीफोन लाइन पर चित्र और टेक्स्ट भेज या प्राप्त कर सकता है। तो देखिए, हमको पता है कि ये है आपका ऑप्शन बी, फैक्स मशीन। ठीक है, आपने मूवियों में भी देखा होगा, कई बार ऑफिसों में भी देखा होगा कि फिलहाल हमारी अभी पहुंच एक मूवी तक है जहां पे हम देखते होंगे कि फैक्स आता है। ठीक है, एक फैक्स आता है ऑफिसों में, तो यही जो फैक्स मशीन है यही है हमारा डिजिटल कृत करता है। ये तो एक ऐसा उपकरण होता है जिसका उपयोग टेलीफोन नेटवर्क पर इलेक्ट्रॉनिक रूप से दस्तावेज भेजने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, संचरण दो फैक्स मशीनों के मध्य या एक फैक्स मशीन और कंप्यूटर के मध्य हो सकता है। ठीक, यह एक आंतरिक ऑप्टिकल स्कैनर के साथ सामग्री को डिजिटाइज करता है और सूचना को इलेक्ट्रॉनिक संकेतों के रूप में प्रसारित भी करता है। ठीक है, चलिए प्लॉटर क्या है देख लेते हैं। प्लॉटर एक प्रिंटर है जो एक या अधिक स्वचालित पेन के साथ कागज पर रेखा चित्र बनाने के लिए कंप्यूटर से कमांड की व्याख्या करता है। यह नियमित प्रिंटर के विपरीत एक प्लॉटर वेक्टर ग्राफिक फाइल या कमांड से सीधे पॉइंट टू पॉइंट लाइन खींच सकता है। ठीक है, साउंड कार्ड क्या है, यह एक आंतरिक एक्सपेंशन कार्ड है जो कंप्यूटर प्रोग्राम के नियंत्रण में कंप्यूटर को और उससे ऑडियो संकेतों का इनपुट और आउटपुट प्रदान करता है। और कंप्यूटर मॉनिटर क्या है, तो कंप्यूटर मॉनिटर यह एक आउटपुट डिवाइस है जो कि सूचना को सचित्र रूप से प्रदर्शित करता है। ठीक है, साथ ही साथ डिस्क्रीट मॉनिटर में एक विजुअल डिस्प्ले सपोर्ट इलेक्ट्रॉनिक्स बिजली आपूर्ति आवास विद्युत कनेक्टर और बाहरी उपयोगकर्ता नियंत्रण शामिल होते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। इनमें से क्या उत्तर प्रदेश में नहीं है, हमसे मित्रों यही पूछ रहा है। तो देखिएगा, इसमें से आपका विश्वनाथ मंदिर, अस्सी घाट और आगरा किला, ये आपके तीनों है। ठीक है, विश्वनाथ मंदिर और अस्सी घाट आपका या वाराणसी में है। ठीक है, आगरा का किला आपका आगरा में है और विक्टोरिया महल आपका इसमें नहीं है। ठीक है, विक्टोरिया महल आपका कोलकाता पश्चिम बंगाल में है। ये कहाँ पे है, कोलकाता पश्चिम बंगाल में है। तो चलिए विक्टोरिया महल के बारे में भी कुछ बातों को जान लेते हैं। देखिए, विक्टोरिया महल जो है ये आपका कोलकाता पश्चिम बंगाल में है। इसकी परिकल्पना आपके उस समय के वायसराय जो थे करजन करजन ने की थी। ये 1906 से 1921 के बीच में बना हुआ था। ठीक है, इसे विक्टोरिया के 25 साल के शासन के उपलक्ष्य में बनाया गया था। ठीक, चलिए और भी चीजों को देख लेते हैं। काशी विश्वनाथ मंदिर ये आपके गंगा नदी के तट पर वाराणसी में स्थित है। यह मंदिर 12 ज्योतिर्लिंगों में से सातवां माना जाता है। ठीक है, और इसके मुख्य देवता आपके विश्वनाथ यानी भगवान शिव हैं, जिन्हें ब्रह्मांड का शासक कहा जाता है, विश्वेश्वर कहा जाता है। ये 1780 में इंदौर की महारानी 1780 में इंदौर की महारानी अहिल्याबाई होलकर द्वारा मंदिर को उसके वर्तमान रूप में पुनर्निर्मित किया गया था, और महाराजा रणजीत सिंह ने 1835 ईस्वी में मंदिर शिखर के लिए सोना दान किया था। आप जब जाएंगे तो देखेंगे कि विश्वनाथ मंदिर के ऊपरी सतह पर शिखर पर सोना है। ठीक है, सोना लगा हुआ है। तो यह सोना आपके महाराजा रणजीत सिंह ने 1835 ईस्वी में दिया था मंदिर को। ठीक है,
आप विश्वनाथ मंदिर को जानते ही हैं कि ये काफी फेमस रहा है, काफी चर्चा में रहा है, क्योंकि वहां पे मस्जिद का विवाद चल रहा है। अस्सी घाट भी आपका वाराणसी का सबसे दक्षिणी घाट है, ये आपका अस्सी घाट है। ठीक, चलिए नेक्स्ट। इनमें से कौन सा स्थान धातु की कला, रंगीन तामचीनी और जटिल नक्काशी के लिए प्रसिद्ध है? ठीक है, तो इसका जो मित्रों सही उत्तर है वह आपका उत्तर प्रदेश में मुरादाबाद। उत्तर प्रदेश का मुरादाबाद आपका इन चीजों के लिए प्रसिद्ध है। साथ ही साथ उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में आपका पीतल और धातु उद्योग के लिए भी प्रसिद्ध है। सजावटी वस्तुओं के लिए, बर्तन, मूर्तियों की कलाकृतियों के लिए भी आपका मुरादाबाद प्रसिद्ध है। साथ ही साथ धातु की ढलाई, एम्बॉसिंग, एनामेलिंग, धातु की सतहों पर सुंदर और जटिल डिजाइनिंग के लिए भी मुरादाबाद आपका प्रसिद्ध है। उत्तर प्रदेश में अगर लखनऊ की बात करें तो लखनऊ अपनी समृद्ध कलात्मक विरासत, साथ ही साथ शिल्प कौशल के लिए भी जाना जाता है। यह अपनी जटिल कढ़ाई, चिकनकारी के काम और वस्त्रों के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। अगर हम बात करेंगे वाराणसी की, तो वाराणसी अपने रेशम साड़ी और वस्त्र के लिए प्रसिद्ध है, जिसमें शानदार बनारसी रेशम साड़ियां शामिल हैं। अब हम बात करेंगे मित्रों आपके, अभी बनारस में एक और चीज है जो आपका फेमस है, वह है यहाँ पे जटिल लकड़ी के काम के लिए भी आपके बनारस को जाना जाता है, यानी कि लकड़ी पर जटिल काम जो है, नक्काशियां है, उसके लिए भी वाराणसी को जाना जाता है। साथ ही साथ विशेष रूप से अलंकृत लकड़ी की नक्काशी के रूप में जो मंदिरों और स्थापत्य तत्वों में भी वाराणसी में आप यह कलाकृतियां देख सकते हैं। ठीक है, साथ ही साथ उत्तर प्रदेश आपके भारत में खुर्जा, उत्तर प्रदेश में जो खुर्जा है यह चीनी मिट्टी के बर्तन, मिट्टी के पात्र में अपनी विशेषता के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, भारत के सिरेमिक सिटी के रूप में भी इसको जाना जाता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट। जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश की आबादी क्या थी, हमसे यही पूछ रहा है मित्रों, तो इसमें जो है हमारा ऑप्शन पहला जो है ये हमारा सही है। ठीक है, ये हमारा उत्तर सही है, क्योंकि यहाँ की जो आबादी थी वो आपकी 1998-12-341 थी। ठीक है, 2011 में। यहाँ की अगर हम यूपी की बात कर लें तो यूपी का जो जनसंख्या घनत्व है वो आपका 828 व्यक्ति प्रति किलोमीटर है। ठीक है, यहाँ की आपके उत्तर प्रदेश की साक्षरता दर की बात करेंगे तो 67.68% है, और यहाँ के अगर लिंगानुपात की बात करेंगे तो ये आपका 912 है। ठीक, यहाँ का लिंगानुपात 912 है। पुरुष साक्षरता की अगर बात करेंगे तो पुरुष साक्षरता आपका 77.28% है, और महिला साक्षरता की अगर हम बात करेंगे मित्रों तो ये आपका 57.18% है। ठीक, चलिए नेक्स्ट। हमसे कह रहा है, निम्नलिखित पंक्तियों में से उत्तर प्रदेश के किस लोक नृत्य के बारे में बात की जा रही है? यह संतुलन का एक कठिन कार्य है। यहाँ पर्दे में एक महिला नर्तक लकड़ी के पिरामिड मंच पर 108 तेल के लैंप को अपने सिर पर रखकर प्रदर्शन करती है। गीत मुख्य रूप से इस क्षेत्र में पैदा हुए हैं, भगवान कृष्ण की प्रशंसा और सम्मान के लिए लिखे गए हैं। तो यह मित्रों आपका चरकुला नृत्य है। ठीक, यह आपका चरकुला नृत्य है। चरकुला नृत्य के लिए यह कार्य, यह मतलब यह नृत्य आपका चरकुला नृत्य कहलाता है। ठीक है, और हम देख लेते हैं यहाँ पे, रामलीला नृत्य, रासलीला नृत्य और ख्याल नृत्य, ये आपके अलग अलग नृत्य हैं, इसका संबंध इनसे नहीं है। ठीक, चलिए नेक्स्ट। इनमें से कौन सी मुख्य एजेंसियों में से एक नहीं है जो उत्तर प्रदेश में भारी मात्रा में अनाज भंडारण में शामिल है, हमसे यही पूछ रहा है। ठीक है, जो अनाज भंडारण में मुख्य एजेंसियों में से एक नहीं है जो उत्तर प्रदेश में भारी मात्रा में अनाज भंडारण में शामिल है, हमसे यही पूछ रहा है। ठीक है, तो देखिएगा मित्रों, इसमें से आपका एफसीआई जो है ये नहीं है। ठीक, एफसीआई जो है यह आपका नहीं है, हमसे यही पूछ रहा है। मुख्य एजेंसियों में से एक नहीं है जो उत्तर प्रदेश में भारी मात्रा में अनाज भंडारण में शामिल है, तो
ठीक है, यही एक नहीं है, क्योंकि एफसीआई की अगर हम बात करेंगे तो एफसीआई आपका भारत सरकार द्वारा निर्मित एवं संचालित एक सांविधिक ठीक निकाय है, यह खाद्य निगम अधिनियम 1964 के अधिनियमन द्वारा गठित उपभोक्ता मामले खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय भारत सरकार के स्वामित्व में है। एफसीआई कई प्रकार के डिपो जैसे खाद्य भंडारण डिपो और बफर स्टोरेज कॉम्प्लेक्स और निजी इक्विटी गोदामों का रखरखाव करता है और साइलो स्टोरेज सुविधाओं की नवीनतम भंडारण विधियों को भी लागू करता है, जो उत्तर प्रदेश के हापुड़, कर्नाटक के मालूर और तमिलनाडु के इलाउर में स्थित है। ठीक, चलिए नेक्स्ट। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प उत्तर प्रदेश को महत्वपूर्ण अनाज फसलों के नाम का उल्लेख करता है, हमसे यही पूछ रहा है, जो कि उत्तर प्रदेश के महत्वपूर्ण अनाज के बारे में। तो इसमें मित्रों आपका चावल, गेहूं, बाजरा, जौ और मक्का, यानी ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है, ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट। कृषि आर्थिक अनुसंधान केंद्र रिपोर्ट 2014-15, ठीक है, ये 2014-15 है, 2014-15 के अनुसार उत्तर प्रदेश के बारे में कौन सा सच नहीं है, कौन सा सत्य नहीं है, हमसे यही पूछ रहा है। तो उत्तर प्रदेश में 28 कृषि विज्ञान केंद्र KVK ठीक है केंद्रीय विद्यालय है, तो बिल्कुल सही है, ये तो सही है मित्रों। उत्तर प्रदेश में 5 भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR संस्थान है, तो ये देखिए आपका गलत है। ठीक है, ये आपका गलत है। यूपी में 4 राज्य कृषि विश्वविद्यालय है, तो ये आपका सही है, और आपसे कह रहा है कि यूपी में 4 राष्ट्रीय शोध केंद्र हैं, तो ये भी आपका बिल्कुल सही है। ठीक है, चलिए। कृषि विज्ञान केंद्र भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR यानी ऑप्शन बी को आप देखिएगा, जो कि हमारा इसमें सही आंसर है, द्वारा कृषि विस्तार सेवा प्रदान करने और किसानों को ज्ञान और प्रौद्योगिकियों का प्रसार करने के लिए स्थापित कृषि विज्ञान केंद्र है यह। ठीक है, और यहाँ पे जो मित्रों आपका उत्तर होगा, यानी कि ऑप्शन बी हमारा यहाँ पे सही उत्तर है। ठीक, कौन सा सत्य नहीं है, तो ऑप्शन बी वाला। ठीक, चलिए नेक्स्ट। ललित कला अकादमी उत्तर प्रदेश कलाकारों को छात्रवृत्ति से पुरस्कृत करता है, इनमें से कौन सा विषय क्षेत्र नहीं है जिनमें इन छात्रवृत्तियों को दिया जाता है। ठीक है, तो ये ललित कला अकादमी किन किन क्षेत्रों में दिया जाता है, तो ये आपका मूर्ति, सिरेमिक, सिरेमिक और आपका कला इतिहास में दिया जाता है, फैशन डिजाइनिंग में ये नहीं दिया जाता। ठीक, फैशन डिजाइनिंग में ये नहीं दिया जाता। ललित कला अकादमी राष्ट्रीय कला अकादमी का आपका जो क्षेत्रीय केंद्र है वो कहाँ पे है मित्रों, तो वो आपका लखनऊ में है। ठीक है, ये आपका लखनऊ में है, इसमें आपका ये 8 फरवरी 1962 को उत्तर प्रदेश सरकार के संस्कृत विभाग के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। हमसे पूछ रहा है कि उत्तर प्रदेश में नहरों के माध्यम से सतह की बेहतर आपूर्ति प्रदान करने के लिए इनमें से कौन सा प्रमुख सिंचाई और बहुउद्देशीय परियोजनाओं में से एक नहीं है। ध्यान दीजिएगा, कौन सा इसमें से एक नहीं है। ठीक, तो हमसे यही पूछ रहा है, तो ये है आपका मित्रों शारदा, ये है आपका शारदा सहायक, रामगंगा, गंडक परियोजना, तो इसमें जो ऑप्शन ए है यह आपका गलत है। ठीक है, यही नहीं है, बाकी आपके सब हैं। ठीक, शारदा सहायक भी है आपका, रामगंगा भी है, गंडक परियोजना भी है। ठीक है, गंडक परियोजना पहले आप जान लीजिए कि वर्षा जनक उत्तर प्रदेश के में नहरों के माध्यम से सतही जल की बेहतर आपूर्ति प्रदान करने वाली प्रमुख सिंचाई और बहुउद्देशीय परियोजनाओं में से एक नहीं है, यह हमारा उत्तर यहाँ पे हो गया। दूसरा है शारदा की बात करेंगे, शारदा सहायक की, तो शारदा सहायक नहर उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिले जैसे लखीमपुर खीरी, बलरामपुर, बहराइच में कृषि भूमि की सिंचाई में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। रामगंगा
रामगंगा आपका नदी सिंचाई और जल विद्युत उत्पादन में अपना महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। साथ ही साथ आपके गंडक परियोजना की आप बात करेंगे तो गंडक बैराज है इसी पे। गंडक परियोजना में गंडक बैराज परियोजना है जो उत्तरी भारत में स्थित एक बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है। इसका निर्माण गंडक नदी पे किया गया जो गंगा नदी की एक सहायक नदी है। ठीक, गंडक आपकी जो गंडक नदी है ये आपका ये गंगा नदी की सहायक नदी है। ठीक, यह जल विद्युत सिंचाई और जल विद्युत उत्पादन, सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण के लिए गंडक नदी के जल संशोधनों का दोहन करना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। चंद्रगुप्त मौर्य के इस प्रसिद्ध राजनीतिक सलाहकार को निम्नलिखित में से सभी नामों से जाना जाता है इसके अलावा। तो देखिए, इनके जो प्रसिद्ध सलाहकार थे वो चंद्रगुप्त मौर्य थे, अरे सॉरी चाणक्य थे। तो चाणक्य को किन किन नामों से जाना जाता था? तो चाणक्य, कौटिल, विष्णुगुप्त के नाम से जाना जाता था इन्हें, समुद्रगुप्त के नाम से इन्हें नहीं जाना जाता था। ठीक है, चाणक्य आपके राजनीतिक ग्रंथ अर्थशास्त्र का इन्होंने युवा चंद्रगुप्त के लिए एक गाइड के रूप में लिखा था। ठीक है, कि कैसे इसने सफलतापूर्वक शासन किया। पालन पोषण चंद्रगुप्त ने तक्षशिला में हुआ इनका, और इनका जन्म एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में मित्रों एक दो लाइन जान लेते हैं। तो चंद्रगुप्त मौर्य जो था आपका, यह आपका मौर्य वंश का संस्थापक था। ठीक है, ये मौर्य वंश का संस्थापक था। इसने देश को कुशासन से बचाने तथा विदेशी आधिपत्य से मुक्त कराने का श्रेय भी इसी को जाता है। चंद्रगुप्त का जो जन्म था यह एक ऐसे परिवार में हुआ था जो प्रवासी मौर्यों के प्रमुख अपने पिता की मृत्यु से निराश्रित हो गए थे। बौद्ध ग्रंथों का कहना है कि चंद्रगुप्त मौर्य शाक्यों के से जुड़े क्षत्रिय मौर्या वंश के थे। हालांकि ब्राह्मणवादी ग्रंथ मौर्यों को शूद्र और विधर्मी के रूप में संदर्भित करते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। हमसे कह रहा है पाली में बौद्ध ग्रंथों को आमतौर पर त्रिपिटक यानी थ्री फोल्ड बास्केट कहा जाता है, तिनमें से कौन सा त्रिपिटकों में से नहीं है? ठीक है, ये पिटक है मित्रों। ठीक है, पिटक है। ठीक है, तो इनमें से कौन सा नहीं है? तो इसमें देखिए, अभिधम्म पिटक, सुत्त पिटक और विनय पिटक है। उपशाखा पिटक आपका नहीं है। ठीक, उपशाखा पिटक आपका नहीं है। चलिए नेक्स्ट। दसवें और आखिरी सिख गुरु कौन थे? ठीक है, तो ये आपके गुरु गोविंद सिंह जी थे। कौन थे? गुरु गोविंद सिंह जी थे। गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म जो है आपका 1666 ईस्वी में हुआ था। ये सिख धर्म के आपके दसवें और अंतिम गुरु थे। ये एक योद्धा थे, कवि और दार्शनिक भी थे। इनका पवित्र ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब को इन्होंने अपने पूरा किया। 1699 में खालसा नामक सिख योद्धा समुदाय की स्थापना भी किया था आपके गुरु गोविंद सिंह ने। आप जान लीजिए गुरु अंगद के बारे में, अंगद जी के बारे में जानिए। तो ये 10 गुरुओं में से दूसरे थे। ठीक है, जिन्होंने गुरुमुखी पंजाबी का लिखित रूप है लिपि का आविष्कार किया और पेश किया। इन्होंने गुरु ग्रंथ साहिब में गुरुमुखी लिपि में गुरु नानक के लेखन को संकलित किया। गुरु नानक देव द्वारा शुरू की गई गुरु का लंगर की संस्था को लोकप्रिय और विस्तारित करने का श्रेय गुरु अंगद जी को ही जाता है। ठीक है, तेग बहादुर जी के बारे में जान लेते हैं। तो ये आपके आनंदपुर शहर की स्थापना गुरु तेग बहादुर ने किया। इन्होंने मुगल शासक औरंगजेब के द्वारा हिंदू कश्मीरी पंडितों के जबरन धर्मांतरण का विरोध किया और इसके परिणाम स्वरूप उन्हें सताया गया था। औरंगजेब ने इन्हें मरवा दिया था। ठीक है, और गुरु नानक देव की बात करेंगे तो ये आपके 10 गुरुओं में से पहले थे जिन्होंने ईश्वर की अवधारणा को पेश किया, सिख धर्म की स्थापना की। इन्होंने गुरु का लंगर की संस्था शुरू की। लंगर सिख धर्म में वह शब्द है जो आम रसोई को संदर्भित करता है। ठीक है, जहां बिना किसी भेदभाव के कोई भी इंसान जाके किसी भी धर्म का वहां पे भोजन ग्रहण कर सकता है। इन्होंने महिलाओं की समानता पे जोर दिया, त्याग के मार्ग को खारिज कर दिया और उन्होंने वेदों के अधिकार को भी खारिज कर दिया। वह मुगल बादशाह बाबर के समकालीन थे। ये आपके गुरु नानक जी ये आपके बाबर के समकालीन थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। दी गई जानकारी में से राजवंश की पहचान करना है हमको। ठीक है,
कि ये किस राजवंश से संबंधित है। पुष्यमित्र ने इस वंश की स्थापना की, यानी सुंग वंश की स्थापना की। देखिए यहीं से है, पुष्यमित्र ने इस वंश की स्थापना की, तो पुष्यमित्र ने किस वंश की स्थापना की थी? सुंग वंश की स्थापना की थी। तो हमें यहीं से हमारा आंसर मिल जाता है, लेकिन पूरा पढ़ लेते हैं। उसका प्रभुत्व तो दक्षिण में नर्मदा नदी तक फैला था और पाटलिपुत्र, अयोध्या और विदिशा के शहर शामिल थे। उन्होंने दो अश्वमेध यज्ञ किए, उन्होंने वैक्ट्रियन राजा डेमेट्रियस को भी हराया। राजवंश का पांचवा राजा भागभद्र था, ठीक है। पतंजलि के गौरव ग्रंथ महाभाष्य इस समय के दौरान लिखे गए थे। तो आपका सही आंसर क्या है? शुंग वंश है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट। हर्षवर्धन ने पांच इंडीज को अपने नियंत्रण में लिया। इनमें से कौन सा पांच इंडीज था? ठीक है, तो इसमें से मित्रों आपका पंजाब, कन्नौज, बंगाल, बिहार और उड़ीसा, ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर है, ठीक है। यहाँ पे आपका जो है ये आपका करेक्ट आंसर है, ठीक। चलिए हर्षवर्धन के बारे में कुछ जानकारी ले लेते हैं। हर्षवर्धन का जन्म आपका 590 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। इसका स्थानेश्वर, थानेसर हरियाणा के राजा प्रभाकर वर्धन के यहाँ हुआ था, ठीक है। यह पुष्यभूति से संबंधित था, जिसे वर्धन वंश भी कहा जाता था। ये एक हिंदू थे जिन्होंने बाद में महायान बौद्ध धर्म ग्रहण किया। हर्ष का विवाह दुर्गावती से हुआ था, उनकी बेटी और दो बेटे थे। बेटी ने वल्लभी के एक राजा से शादी की, जबकि उनके बेटों को उनके ही मंत्री ने मार डाला था। चीनी बौद्ध यात्री ह्वेनसांग आपके हर्षवर्धन के शासन काल में ही भारत आया था, ठीक। इसने अपने लेखन में हर्षवर्धन के कार्यों की काफी प्रशंसा भी की है, ह्वेनसांग ने। चलिए नेक्स्ट। अकबर के नवरत्न के बारे में इनमें से कौन सा सही ढंग से मेल नहीं खाता है, हमसे यही पूछ रहा है, ठीक है। कौन सा सही ढंग से मेल नहीं खाता? अबुल फजल वह अकबर के वजीर थे और अकबर के शासनकाल में अकबरनामा के लेखक थे, ये सही है। राजा मानसिंह वह अकबर के वित्त मंत्री थे, यह गलत है, ठीक है। यही आपका गलत है, क्योंकि राजा मानसिंह जो है वो आपका अकबर के सेना के एक भरोसेमंद सेनापति थे, ठीक है। ये वित्त मंत्री नहीं थे, अकबर के ससुर भारमल का पोता था ये, ठीक है। राजा मानसिंह अकबर के सैन्य कमांडर में सबसे आगे, 7,000 मनसबदारी थे इसके पास, और लाहौर में हाकिम अकबर के सौतेले भाई को आगे बढ़ने से रोकने सहित कई मोर्चों पर अकबर की सहायता भी इसने की थी, ठीक है। तो और अब्दुल रहीम खान खाना ई खाना वह एक कवि थे और अकबर के भरोसेमंद देखभाल करने वाले बैरम खान के पुत्र थे, तो ये सही है आपका, ठीक है। बैरम खान के पुत्र थे तो ये सही है। मुल्ला दो प्याजा वह मुगल सम्राट अकबर के मुख्य सलाहकार में से एक थे, ये सही है, ठीक। तो यानी ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही उत्तर होगा। चलिए नेक्स्ट। इनमें से कौन सा टेक्टोनिक प्लेट के मूवमेंट या शिफ्ट के कारण होता है, जहां ये टेक्टोनिक प्लेट मिलते हैं, हमसे यही पूछ रहा है मित्रों। तो इसका जो सही उत्तर है, चक्रवात, भूस्खलन, बाढ़, भूकंप, तो इसका सही उत्तर है आपका भूकंप, ठीक। इसका सही उत्तर है भूकंप। दुनिया को सब समय क्षेत्रों में बांटा गया है, समय क्षेत्रों की कुल संख्या कितनी है, हमसे यही पूछ रहा है। तो इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन बी 24 है, ठीक है। 24 क्षेत्रों में, 24 प्रमुख समय क्षेत्रों में बांटा गया है, ठीक है। प्रत्येक क्षेत्र को 15 डिग्री देशांतर कवर करता है, 15 डिग्री देशांतर आपका कवर करता है, ठीक। चलिए नेक्स्ट। भारत का मानक समय मेरिडियन कौन सा है, तो इसमें आपका 82.5 डिग्री ईस्ट देशांतर आपका सही है, ठीक। ये आपका मेरिडियन जो है उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर से होकर गुजरता है और इसे पूरे देश का मानक समय माना जाता है, ठीक। ये भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरता है, सॉरी। ये भारत के जो मानक मेरिडियन है, ये आपके भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरता है, जिसमें आपका उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ठीक, उड़ीसा, उड़ीसा और आपका आंध्र प्रदेश, ठीक। इतने आते हैं, ये आपके 5 राज्य हैं, ठीक है।
ये एक स्थान से दूसरे स्थान का स्थानीय समय अलग अलग होता है। भारत में गुजरात के द्वारका, यानी कि हमारा जो भारत है, ठीक है, यहाँ पे गुजरात है और यहाँ पे है आपका असम, डिब्रूगढ़, ठीक। तो भारत में यहाँ गुजरात के पास द्वारिका में और असम डिब्रूगढ़ में स्थानीय समय में लगभग आपका मित्रों 1 घंटा 45 मिनट का अंतर है, ठीक, 1 घंटा 45 मिनट का अंतर है। इसीलिए किसी देश के कुछ मध्य मेरिडियन के स्थानीय समय को देश के लिए मानक समय के रूप में स्वीकार किया जाता है और इस मेरिडियन पर स्थानीय समय पूरे देश के लिए मानक समय माना जाता है। इसे भारतीय मानक समय IST कहा जाता है, ठीक, भारतीय मानक समय IST कहा जाता है, ठीक। चलिए नेक्स्ट, हमसे कह रहा है इनमें से कौन सा महान हिमालय, इनमें से कौन सा महान हिमालय या हिमाद्री में पर्वत शिखर नहीं है, ठीक, पर्वत शिखर नहीं है, हमसे यही पूछ रहा है। तो देखिए मित्रों, कंचनजंगा भी है आपका, ठीक है, मकालू भी है, नंदा देवी भी है, आपका नाग तिब्बा जो है यह नहीं है, ठीक, नाग तिब्बा नहीं है। नाग तिब्बा आपका उत्तराखंड के कम हिमालय, लघु हिमालय क्षेत्र की सबसे ऊंची चोटी है ये, ठीक। चलिए नेक्स्ट, चलिए कंचनजंगा के बारे में जान लेते हैं थोड़ी सी बात। यह आपके विश्व का तीसरा सबसे ऊंचा पर्वत है, मकालू यह विश्व का पांचवा सबसे ऊंचा पर्वत है और नंदा देवी या कंचनजंगा के बाद भारत में दूसरा सबसे ऊंचा पर्वत है, ठीक है, और यह विश्व की 23वीं सबसे चोटियों में से एक है, कौन सी, नंदा देवी। चलिए नेक्स्ट, फिर कह रहा है आपसे कि इनमें से कौन सा भारतीय क्षेत्र में एक खाड़ी नहीं है, ठीक है, प्रश्न को बहुत ध्यान से देखना है, नहीं 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 के बहुत से प्रश्न आ रहे हैं, तो इनमें से कौन सा नहीं है, तो कच्छ की खाड़ी है, कम्बे या खम्बात की खाड़ी भी है, मन्नार की खाड़ी भी है, अकावा की खाड़ी नहीं है, ठीक, अकावा की खाड़ी नहीं है। अकावा की खाड़ी, इसे इलाट की खाड़ी के रूप में जानते हैं, ये आपके लाल सागर, रेड सी, ठीक, लाल सागर के उत्तरी सिरे पर दक्षिण पश्चिम एशिया में स्थित एक खाड़ी है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, इनमें से कौन सा यूरोपीय देश है, यूरोपीय देश है, हमसे यही पूछ रहा है, जिसमें से जो बुल्गारिया है मित्रों, बुल्गारिया आपका एक यूरोपीय देश है, इसकी राजधानी सोफिया है, महाद्वीप ये यूरोप में आपका है, ठीक है। सूडान, सूडान आपका अफ्रीका का है, सूडान आपका अफ्रीका का है। घाना, घाना भी आपका अफ्रीका का है, ठीक है, घाना भी आपका अफ्रीका का है, ठीक है, तो ये आपके अफ्रीका के हैं। चलिए नेक्स्ट, भारत के इन पड़ोसी देशों में से कौन सा देश गलत तरीके से अपने राष्ट्रीय खेल से मेल खाता है, यानी कि ये देखना है कि कौन सा देश है, उसके आगे जो लिखा गया है वो क्या सही है, वो उस देश का राष्ट्रीय खेल है, जैसे अफगानिस्तान, अफगानिस्तान का बुर्ज कासी ये सही है, बांग्लादेश का क्रिकेट ये गलत है, बांग्लादेश का आपका कबड्डी है, ठीक है, बांग्लादेश का कबड्डी है, भूटान का तीरंदाजी, नेपाल का वॉलीबॉल ये सही है। चलिए नेक्स्ट, बारिश की छायाएं तब बनाई जाती हैं जब हवाएं नमी को ऊपर उठाने के लिए तेजी से बढ़ती हैं, जहां हवा ठंडी होती है और बारिश या बर्फ के रूप में अपनी नमी को वेग से नीचे गिराने के लिए संघनित होती हैं। इनमें से कौन सा वर्षा छाया प्रभाव नहीं बनाता है, हमसे यही पूछ रहा है। तो क्यूई का हवाई द्वीप बनाता है, कैलिफोर्निया में डेथ वैली भी बनाता है, भूमध्य सागर के तटीय क्षेत्र ऐसा नहीं बनाते, हमारे ऑप्शन सी सही है, हिमालय भी आपका बनाता है, ठीक है। समुद्र में प्रचलित हवाएं नमी को उठाने और पहाड़ों या भू आकृतियों के प्रतिवर्ती पक्ष पर वृष्टि छाया बनाने के बजाय तटीय क्षेत्रों में नमी और वर्षा लाती हैं, ये आपके भूमध्य सागर क्षेत्रों के तटीय क्षेत्रों की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक। चलिए नेक्स्ट, भारतीय संविधान का किस संशोधन अधिनियम में ने मतदान की उम्र 21 से घटाकर 18 वर्ष कर दी, तो इसका सही उत्तर है मित्रों आपका यहाँ पे एक गलती हो गया है, ये 61वां संविधान संशोधन सही है, लेकिन ये है आपका 1993, 1993 के 61वें संविधान संशोधन में, ठीक है, एक मिनट मित्रों, नहीं, ठीक, ये आपका 61वां संविधान संशोधन 1989 में ही हुआ था, ठीक, 1989 में ही हुआ था,
61वां संविधान संशोधन 1989 में ही आपके जो आयु को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया था। ठीक है, आप चलिए नेक्स्ट। इनमें से कौन सा संघ सूची के तहत कोई विषय नहीं है, हमसे यही पूछ रहा है। तो इसमें से जो संघ सूची के अंतर्गत आएगा, तो संघ सूची में आपका सार्वजनिक स्वास्थ्य नहीं है। ठीक है, सार्वजनिक स्वास्थ्य आपके संघ सूची का विषय नहीं है, और बाकी परमाणु ऊर्जा, विदेशी मामले और युद्ध और शांति आपके हैं। ठीक है, ये आपका समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है। ठीक है, समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है। चलिए नेक्स्ट। कृषि में नवाचार और उद्यमिता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से भारत सरकार स्टार्टअप और उन्हें संभावित निवेशकों से जुड़ने में सक्षम बनाने के लिए एक नया कार्यक्रम शुरू कर रही है, इस कार्यक्रम को क्या कहा जाता है? ठीक है, तो देखिए ये 2018 का आपका करंट का प्रश्न था, तो इसका जो था वो था आपका एग्री उड़ान। ठीक है, ऑप्शन आपका एग्री उड़ान सही है। ठीक है, एग्री उड़ान, ये आपका खाद्य और कृषि व्यवसाय त्वरक है, जो ए आइडिया और नारंग के टेक्नोलॉजी बिजनेस इनक्यूबेटर द्वारा आयोजित किया जाता है, जिसे विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग भारत सरकार द्वारा समर्थित किया जाता है। ठीक है, एग्री उड़ान अपने उत्पादक सेवाओं को प्रदर्शित करने और सलाहकारों, इनक्यूबेटरों, अनुसंधान एवं विकास संस्थानों, कृषि व्यवसाय, उद्योग और निवेशकों से मूल्यवान इनपुट प्राप्त करने के लिए खाद्य और कृषि व्यवसाय क्षेत्रों में स्केल अप स्टेज इनोवेटर्स, उद्यमियों और स्टार्टअप्स के लिए एक अनूठा मंच है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। निम्नलिखित में से कौन सा संसद का कार्य नहीं है, हमसे यही मित्रों पूछ रहा है। ठीक है, इसमें से कौन सा कार्य नहीं है? तो आप देखिएगा कि संसद विधायी कानून बनाने और वित्तीय कार्य करती है, धन बिल और बजटीय कार्य। इसके अलावा यह कार्यकारी को भी नियंत्रित करती है और इसकी जवाबदेही सुनिश्चित करती है। सही है, संसद कुछ चुनावी कार्य करती है क्योंकि यह भारत के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का चुनाव करती है, यह भी सही है। संसद में संविधान यानी संशोधन शक्ति में परिवर्तनों पर चर्चा करने और लागू करने का अधिकार है, यह भी सही है। संसद के पास कोई न्यायिक कार्य नहीं है और राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और सुप्रीम कोर्ट और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने के लिए मंत्रियों का परिषद जिम्मेदार है, यही आपका गलत है। ठीक है, ये आपका गलत है, यानी आपका ऑप्शन डी करेक्ट है। ठीक है, ऑप्शन डी करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट। क्योंकि देखिए संसद के पास न्यायिक कार्य, जैसे यहाँ पे जो कहा जा रहा है कि राष्ट्रपति हुए, उपराष्ट्रपति हुए, सुप्रीम कोर्ट हुए, इनके न्यायाधीशों को हटाने का कार्य कौन करता है? तो देखिएगा मित्रों, भारत में राष्ट्रपति को सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधीश सहित को हटाने, मुख्य चुनाव आयुक्त, नियंत्रक और महालेखा परीक्षक को हटाने की भी सिफारिश कर सकता है। ठीक है, तो ये आपका संविधान करता है। यहाँ पे राष्ट्रपति पे महाभियोग भी चल सकता है। इसके पास अपने सदस्यों और बाहरी लोगों को इसके विशेषाधिकार के उल्लंघन या इसकी अवमानना के लिए दंडित करने की शक्ति भी है। ठीक, चलिए नेक्स्ट। कलकत्ता, अब कोलकाता है, में भारतीय सांख्यिकी संस्थान की स्थापना किसने की थी? तो ये आपके किया था पीसी महालनोबिस ने। ठीक है, इन्होंने कब किया था? 1959 में किया था। ठीक है, 1959 में इन्होंने किया था राष्ट्र सांख्यिकी प्रयोगशाला, सांख्यिकी संस्थान की स्थापना। ठीक, चलिए नेक्स्ट। प्राथमिक क्षेत्र में श्रमिक एक वर्ष में ज्यादातर समय बेरोजगार रहते हैं, इसलिए यदि इनमें से कुछ श्रमिक प्राथमिक क्षेत्र से अन्य क्षेत्रों में स्थानांतरित किए जाते हैं तो कुल प्राथमिक उत्पादन में कोई बदलाव नहीं होगा। इस प्रकार की बेरोजगारी को क्या कहते हैं? ठीक है, हमसे यही कह रहा है, तो मित्रों इसको अंतर्निहित बेरोजगारी कहते हैं। ठीक है, ऐसी बेरोजगारी को आपके अंतर्निहित बेरोजगारी कहते हैं। ठीक, अंतर्निहित बेरोजगारी होता क्या है इसको जान लेते हैं। देखिए अंतर्निहित बेरोजगारी जो है एक ऐसी स्थिति को संदर्भित करता है जहां व्यक्ति
जहां व्यक्ति आपका जो काम करने की इच्छुक और सक्षम है सक्रिय रूप से रोजगार की तलाश नहीं कर रहे हैं या आधिकारिक तौर पर बेरोजगार के रूप में वर्गीकृत हैं। इनमें आमतौर पर ऐसे व्यक्ति शामिल होते हैं जिन्होंने निराशा के कारण काम की तलाश छोड़ दिया है। शिक्षा, प्रशिक्षण या प्रारंभिक सेवानिवृत्त जैसी वैकल्पिक गतिविधियों में शामिल होना चुना है। अंतर्निहित बेरोजगारी आधिकारिक बेरोजगारी के आंकड़ों में परिलक्षित नहीं होती, यानी शामिल नहीं होती है, और आर्थिक स्थितियों, व्यक्तिगत प्राथमिकताओं और सामाजिक कल्याण कार्यक्रमों जैसे विभिन्न कारकों से उत्पन्न होती है। ठीक है, अल्पकालिक बेरोजगारी क्या है मित्रों? तो बेरोजगारी की एक अस्थायी अवधि को संदर्भित करता है जो उन व्यक्तियों द्वारा अनुभव किया जाता है जो सक्रिय रूप से रोजगार की तलाश कर रहे हैं लेकिन वर्तमान में अपेक्षाकृत संक्षिप्त अवधि के लिए नौकरी के बिना है। यह एक सामान्य घटना है क्योंकि व्यक्ति नौकरियों के बीच संक्रमण करते हैं या अपने रोजगार में अस्थायी व्यवधानों का सामना करते हैं, जैसे कि मौसमी छटनी या अल्पकालिक अनुबंध समाप्त होना। ठीक है, अस्थायी बेरोजगारी क्या है? एक ऐसी स्थिति को यह संदर्भित करता है जहां व्यक्ति अस्थायी रूप से काम से बाहर हो जाते हैं लेकिन उम्मीद की जाती है कि वे अपने नौकरी पर लौट आएंगे या अपेक्षाकृत कम अवधि के भीतर नया रोजगार पा जाएंगे। ठीक है, यह विभिन्न कारणों से हो भी सकता है, जैसे मांग में मौसमी उतार चढ़ाव हुआ, व्यवसायों का स्थायी बंद हो जाना, अल्पकालिक आर्थिक मंदी हो गई, तो ऐसी स्थितियों में अस्थायी बेरोजगारी आपकी आ सकती है। इनमें से कौन सा महात्मा गांधी का आर्थिक विचार नहीं है, हमसे यही पूछ रहा है? तो इसमें से मशीनरी और नवीनतम तकनीक का अधिकतम उपयोग, ये आपके गांधी जी का विचार नहीं था, गैर हिंसक अर्थव्यवस्था और विकेंद्रीकरण, कुटीर उद्योग और गांव या गांव का सर्वोदय पुनर्जन्म, ये गांधी की विचारधारा थी। ठीक, आपसे पूछ रहा है कि 7 मिशन कार्यक्रम का उद्देश्य लक्षित मील का पत्थर हासिल करने के लिए शहरों को निधि देना, ठीक है? इस कार्यक्रम में इसके अलावा सभी विकल्प शामिल हैं, यानी कि इन ऑप्शन में से एक ऐसा है जो इसमें शामिल नहीं है, बाकी आपके 7 मिशन कार्यक्रम में शामिल है। 3 ऑप्शन शामिल है, चौथा नहीं है, तो चौथा कौन सा है? 100 स्मार्ट सिटी शामिल है, अमृत या कायाकल्प और शहरी परिवर्तन के लिए अटल मिशन भी शामिल है, हृदय राष्ट्रीय विरासत शहर विकास उन्नत योजना भी शामिल है, आपका अंतरिक्ष साहसिक कार्यों पर राष्ट्रीय मिशन जो है यह शामिल मित्रों आपका नहीं है। ठीक, ये आपका शामिल नहीं है। चलिए नेक्स्ट, यहां पे आपसे पूछ रहा है कि अगस्त 2018 तक, ठीक, अगस्त 2018 तक राज्यसभा के अध्यक्ष कौन थे? तो उस समय आपके एम वेंकैया नायडू जी थे। ठीक है, कौन थे आपके? एम वेंकैया नायडू जी। चलिए नेक्स्ट, हमसे पूछ रहा है मित्रों कि मध्य प्रदेश राज्य सरकार ने एक योजना शुरू की जहां गरीबी रेखा बीपीएल के नीचे के परिवारों को 200 रुपए प्रति माह की लागत से बिजली प्रदान की जाएगी, इस योजना को क्या कहा गया? ठीक है, 200 रुपए प्रति माह की बिजली प्रदान की जाएगी, इस योजना को क्या कहा गया? तो इस योजना को संबल योजना कहा गया। ठीक है, इस योजना को संबल योजना कहा गया। ठीक, चलिए नेक्स्ट, थॉमस कप, जिसे कभी कभी विश्व पुरुषों की टीम चैंपियनशिप कहा जाता है, खेल के वैश्विक शासी निकाय बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन के सदस्य राष्ट्रों का प्रतिनिधित्व करने वाली टीमों में एक अंतरराष्ट्रीय बैडमिंटन प्रतियोगिता है। टीम ने थॉमस कप 2018 जीता था, तो उस समय किसने जीता था मित्रों? तो उस समय आपके चीन ने जीता था। ठीक है, किसने जीता था? चीन ने जीता था। चलिए नेक्स्ट, आपसे पूछ रहा है कि नीचे कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं और तिथियां हैं जिन्हें 2018 में मनाया गया था, इनमें से कौन सा सही मिलान नहीं है, हमसे यही पूछ रहा है। तो देखिएगा, पहला वाला आप देखिए, विश्व रेड क्रॉस दिवस जो है ये आपका 8 मार्च को नहीं बल्कि 8 मई को मनाया जाता है। ठीक है, 8 मई को मनाया जाता है। गोवा क्रांति दिवस 18 जून आपका सही है। बाल श्रम के खिलाफ विश्व दिवस 12 जून आपका सही है मित्रों। और साथ ही साथ संयुक्त राष्ट्र यूएन द्वारा पहला विश्व साइकिल दिवस
3 जून, आपका यह भी ऑप्शन सही है। ठीक, चलिए नेक्स्ट। दी गई जानकारी से मिशन की पहचान करें। केंद्रीय बजट 2018 में वित्त मंत्री अरुण जेटली ने जनजातीय समुदाय में बच्चों को शिक्षित करने के लिए किस योजना की घोषणा की है? तो ये आपका उस समय का करंट था, तो उस समय आपका जो इसका सही आंसर था, एकलव्य मॉडल आवासीय स्कूल। ठीक, चलिए नेक्स्ट। भारत दुनिया में सबसे बड़ा फल उत्पादक देश है, तो कौन से नंबर का है? तो भारत है आपका मित्रों दूसरे नंबर का। ठीक है, ये फल उत्पादन में आपका दूसरे नंबर पर है, तो शीर्ष पे आपका कौन है? चीन है, दूसरे पे आपका भारत है, और तीसरे पे आपका मित्रों ब्राजील है। ठीक, तीसरे पे आपका ब्राजील है। चलिए नेक्स्ट। कब भारत सरकार ने किसानों को 2020 तक यूरिया सब्सिडी दी थी? तो ये मित्रों उस समय आपका 2018 में इन्होंने दिया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। ई रकम कंपनी भारत सरकार की एक पहल धातु स्क्रैप ट्रेड कॉरपोरेशन लिमिटेड और CRWC की संयुक्त पहल के रूप में कार्य करेगी, तो CRWC क्या है, हमसे यही पूछ रहा है। ठीक है, तो ये आपका सेंट्रल रेल साइड वेयर हाउस कंपनी लिमिटेड, ऑप्शन ए है आपका इसका फुल फॉर्म। ठीक, सेंट्रल रेल साइड वेयर हाउस कंपनी लिमिटेड। ठीक, चलिए नेक्स्ट। आईसीएआर रैंकिंग के अनुसार 2016-17 में भारत में कृषि विश्वविद्यालयों की सूची में इनमें से कौन सा कृषि संस्थान शीर्ष पर है? ठीक है, हमसे यही पूछ रहा है। तो यहाँ पे जो मित्रों आपका करंट के हिसाब से था, वो आपका नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट करनाल हरियाणा आपका शीर्ष स्थान पे था, यह वर्तमान में भी आपका शीर्ष स्थान पर बना हुआ है। ठीक है, वर्तमान में भी शीर्ष स्थान पर बना हुआ है। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान NDRI करनाल हरियाणा, यह भारत का आपका प्रमुख संस्थान है। इसे 1989 में डीम्ड विश्वविद्यालय का दर्जा मिला। ठीक, IARI को 1905 में, यह आपका कहां पर है मित्रों? तो यह आपका बिहार, ठीक, सॉरी, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान IARI नई दिल्ली है। ठीक है, ये आपका नई दिल्ली है। और मित्रों आपका कृषि विज्ञान विश्वविद्यालय USA, UAS बेंगलोर, ठीक, बेंगलोर में स्थापित है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1964 ईस्वी में हुई थी। ठीक है, और आपका IARI 1936 में, 1936 में 29 जुलाई 1936 में यह दिल्ली स्थानांतरित किया गया था। अच्छा हाँ, आपको IARI के बारे में बता दें, तो IARI जो है ये पूसा संस्थान के नाम से पहले जाना जाता था। इसे 1905 में पूसा बिहार में एक अमेरिकी परोपकारी श्री हेनरी फिप्स के उदार अनुदान से शुरू किया गया था, यानी कि जो भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान है पहले बिहार में शुरू किया गया था, लेकिन 1934 में यहाँ पे बहुत बड़ा भूकंप आया जिसमें काफी नुकसान हुआ, उसके बाद में से 29 जुलाई 1936 को दिल्ली में स्थानांतरित कर दिया गया। ठीक है, और बाद में इस संस्थान का नाम बदलकर भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान IARI कर दिया गया। ठीक है, और 1964 में आपके UAS कृषि विज्ञान विश्वविद्यालय का बेंगलोर में स्थापना की गई थी। ठीक है, 1964 में असम कृषि विश्वविद्यालय AAU, ठीक है, ये आपका 1 अप्रैल 1969 को भारत के असम राज्य के जोरहाट में स्थापित किया गया इसको। ठीक, चलिए नेक्स्ट। भारत में कई केंद्रीय सरकारी संगठन हैं जो कृषि विपणन में शामिल हैं, इनमें से कौन सा ऐसा संगठन नहीं है? ठीक है, यानी इनमें से ऐसा कौन सा है जो शामिल नहीं है कृषि विपणन में, हमसे यही पूछा है मित्रों। तो इसमें से भारत कपास निगम भी है, भारत खाद्य निगम भी है, कृषि लागत और कीमतों का आयोग भी है जिसे मूल्य आयोग हम कहते हैं, और आपका भारत के कृषि निगम इसमें शामिल नहीं है। ठीक है,
भारत के कृषि निगम इसमें शामिल नहीं है। चलिए कुछ जान लेते हैं, कुछ बातों को भारतीय कपास निगम के बारे में जान लेते हैं। तो इसकी स्थापना 1970 में, इसकी स्थापना 1970 में कंपनी अधिनियम 1956 के तहत की गई थी। यह भारत सरकार की कारपोरेट एजेंसी है जो कपास के व्यापार, खरीद और निर्यात से संबंधित है। ठीक है, ये CCI भारत सरकार के कपड़ा मंत्रालय द्वारा जारी कपड़ा नीति 1985 के द्वारा शासित है। ठीक है, भारतीय खाद्य निगम के बारे में जान लेते हैं, FCI के बारे में। तो यह खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग, उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के तहत एक सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है। FCI 1965 में खाद्य निगम अधिनियम 1964, ठीक, FCI 1965 में ये आपका खाद्य निगम अधिनियम 1964 के तहत स्थापित किया गया था। ठीक है, यह अनाज विशेष रूप से गेहूं की बड़ी कमी की पृष्ठभूमि से स्थापित किया गया था। ठीक है, और हम बात कर लेंगे मित्रों कृषि लागत और कीमतों का आयोग अर्थात मूल्य आयोग का, इसे कहते हैं CACP। ठीक, यह कृषि मंत्रालय के अधीन एक पहल है। CACP एक विशेषज्ञ निकाय है जो उत्पादन लागत, अंतरराष्ट्रीय कीमतों में रुझान और घरेलू रुझान को ध्यान में रखते हुए सरकार को न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP की सिफारिश करता है। ठीक, तो न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP की सिफारिश कौन करता है? तो यहां से देखिए हमको पता चल रहा है CACP करता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। इनमें से कौन सा ई कॉमर्स कंपनी नहीं है, हमसे पूछ रहा है कौन सा नहीं है। ठीक है, कौन सा है वो तो पता है, नहीं है तो यहाँ भी मित्रों अमेजन, फ्लिपकार्ट, ईबे है आपका, ये यही डॉट काम नहीं है। ठीक है, यही डॉट काम नहीं है, ये आपका वाणिज्यिक और आवासीय निर्माण के उद्योग में से एक है। ठीक, चलिए नेक्स्ट। असंगत की पहचान करना है मित्रों इसमें से, प्रिंटिंग प्रेस जोहान्स गुटेनबर्ग, ये आपका सही है। बैक्टीरिया एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक, ठीक, एंटोनी वॉन ल्यूवेन हॉक इनका नाम था। ठीक है, बैक्टीरिया का ये सही है। ऑक्सीजन एंटोनी लॉरेन लेवोजियर, ये सही है। हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का आपका गलत है। ठीक है, हाइड्रोजन गलत है, यहाँ आपका ब्लेज पास्कल नहीं है। ठीक, ये आपका गलत है। हाइड्रोजन के थे आपके मित्रों, हाइड्रोजन के थे आपके, हाँ हाइड्रोजन के थे आपके हेनरी कैवेंडिस जी थे। ठीक है, ये आपके इंग्लिश प्राकृतिक दार्शनिक और वैज्ञानिक थे। ये एक महत्वपूर्ण प्रयोगात्मक और सैद्धांतिक रसायनज्ञ और भौतिकी वैज्ञानिक थे। इन्हें हाइड्रोजन की खोज के लिए जाना जाता है। ठीक है, हाइड्रोजन की खोज के लिए आपके हेनरी कैवेंडिस को जाना जाता है, इन्हें जिसे उन्होंने ज्वलनशील वायु कहा था। ठीक, चलिए नेक्स्ट। निम्नलिखित में से कौन सा कानून सिद्धांत सही तरीके से मेल नहीं खाता है? ठीक, इसको फिर से ध्यान से देखिएगा मित्रों, इस पेपर में तो नहीं से रिलेटेड बहुत प्रश्न थे, बहुत ज्यादा, इसलिए बहुत ध्यान से पढ़िएगा प्रश्नों को, बहुत ध्यान से अपना प्रैक्टिस भी करिएगा। एवोगैड्रो का नियम, एक ही तापमान और दबाव में सभी गैसों के बराबर मात्रा में अणुओं की समान संख्या होती है, तो ये आपका मित्रों सही है। ठीक है, ये आपका सही है, अर्थात यह मेल खाता है। ठीक, बॉयल का नियम, गैसों में दबाव और आयतन के बीच संबंध। ठीक है, मात्रा, ठीक है, यहां मात्रा के बीच संबंध सही है, मात्रा इसे आयतन कर लीजिए, समझने में आसानी होगी। ठीक है, मात्रा या आयतन के बीच में संबंध, ये आपका सही है। ठीक, ये भी सही है, यानी मेल खाता है। संक्रमक सिद्धांत, ठीक, संक्रम सिद्धांत, व्यक्ति से व्यक्ति में संचारित होने वाली जीवित
एजेंट के कारण होने वाली संक्रामक बीमारियां ये भी आपका मेल खाता है। हुंड का नियम, परमाणु में कोई भी दो इलेक्ट्रॉन एक ही ऊर्जा स्तर पर नहीं रह सकते हैं, रख सकते हैं, ये आपका गलत है। ठीक है, यही आपका गलत है, अर्थात ये वाला ऑप्शन डी आपका मेल नहीं खाता है। ठीक, तो हुंड का नियम क्या है मित्रों, ये जान लेते हैं। हुंड का नियम कहता है कि विभिन्न कक्षकों में इलेक्ट्रॉन तभी युग्मित होते हैं जब उस उपकोष के सभी कक्षकों में एक एक इलेक्ट्रॉन भर गया हो। एकल रूप से व्याप्त कक्षकों में मौजूद इलेक्ट्रॉनों में समान चक्रण होता है। ठीक है, यानी कि परमाणु में कोई भी दो इलेक्ट्रॉन एक ही ऊर्जा स्तर पे नहीं रख सकते, यह वाला इनका गलत है। ठीक है, क्योंकि यह अधिकतम बहुलता नियम का एक नियम है जो बताता है कि किसी दिए गए इलेक्ट्रॉन विन्यास के लिए अधिकतम बहुलता वाला शब्द ऊर्जा में सबसे कम होता है। इस नियम के अनुसार पीडीएफ कक्षकों में इलेक्ट्रॉन युग्मन तब तक नहीं हो सकता जब तक कि किसी दिए गए उपकोष के प्रत्येक कक्षकों में एक एक इलेक्ट्रॉन न हो या वह अकेले व्याप्त न हो। देखिए, हमको पता है जैसे कि 2, 8, 8, 18, तो ये तो इलेक्ट्रॉन ही होते हैं ना, तो एक कक्षा में दो से ज्यादा तो होते हैं ना, तो इसलिए ये वाला हमारा गलत है, हुंड के नियम के अनुसार भी गलत है। ठीक, चलिए नेक्स्ट। आईने अकबरी किसने लिखा, हमसे यही पूछ रहा है, तो आईने अकबरी आपके अबुल फजल का है। ठीक है, आईने अकबरी आपके अबुल फजल का है। ठीक, चलिए नेक्स्ट। असंगत की पहचान करनी है मित्रों यहाँ पे, तो आपका यहाँ पे हमें बताना है कि कौन सही नहीं है। ठीक, इनमें से कौन सा सही नहीं है, तो आशा और इतिहास, ठीक है, बिल क्लिंटन, ये सही है। पक्षी और जानवरी, मार्क ट्वे, सही है। ब्लैक होल और बेबी यूनिवर्सिटी, स्टीफन हॉकिंस, ये भी सही है। ब्रोकन विंग, इंदिरा गांधी, ये आपका गलत है। ठीक, ये आपका गलत है, क्योंकि ब्रोकन विंग्स जो है ये आपका इंदिरा गांधी का ना होकर बल्कि यह था आपका खलील जिब्रान। ठीक, ये आपके खलील जिब्रान का है जो कि 1912 में इन्होंने प्रकाशित किया था। ठीक है, 1912 में प्रकाशित किया था। चलिए, आज 50 प्रश्नों का संकलन हमने देख लिया मित्रों। आप हमारे टेलीग्राम चैनल और ग्रुप स्टडी ऑन ट्रैक से भी जुड़ सकते हैं, साथ ही साथ अगर आप कोई हमें सलाह देना चाहते हैं तो आप हमारे ईमेल आईडी studyontrack3@gmail.com पर हमको सलाह भेज सकते हैं। साथ ही साथ जो मित्र अभी हमारे चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें तथा साथ ही साथ हमें सपोर्ट करें, अपने मित्रों को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को वीडियो का लाभ प्राप्त हो सके। और हाँ, हम आपको अपने चैनल के माध्यम से वीडियो री एग्जाम 2018 के लिए प्रैक्टिस सेट भी प्रोवाइड कराएंगे, इसलिए जो मित्र अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।